वाली साड़ी देखिए मैडम, बिल्कुल नई डिजाइन की है। आजकल इसी का फैशन चल रहा है। अरे अब हमारी कोई उम्र है फैशन करने की? आप कोई सीधे साधे ढंग की अच्छी सी साड़ी दिखाइए। ठीक है, मैं दूसरी दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन की है। ये देखिए। बोलो गायत्री, कैसी लगी? हाँ, ये अच्छी है, तो ले लो ना। वैसे मुझे ये कोई खास पसंद नहीं आई। ऐसा करती हूँ, दूसरी दुकान पे जाती हूँ, वहाँ की साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ईशा बेटा, जरा आराम से बात करो। एक तो पहले से इतनी सहमी हुई है और ऊपर से तुम। मुझे मेरी सास के साथ किस तरह बात करनी चाहिए आपको मुझे सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना आप उन्हें वहां ले जाती, ना ये सारा तमाशा होता। अच्छा, तो ये भी हमारी गलती है कि हम इन्हें साथ ले गए। चलो रीना, यहाँ रहकर और बेइज्जती नहीं करवानी है। चलो माया, तुम भी चलो। पता नहीं कैसी बहू है। अब मुझे भी चलना चाहिए, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। एक मिनट रोशन, मैं भी चलता। चलिए। माँ, अब बताओ क्या हुआ था। दीपक, मैंने मैंने क्या माँ, बताओ प्लीज माँ। कुछ नहीं दीपक, मुझे लगता है इनका दिल अब इस घर से भर गया है। क्यों ना हम इन्हें वृद्धाश्रम भेज दे, कम से कम इनका टाइम पास तो हो जाएगा ना। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ, माँ कर दिया ना माँ को नाराज। तुम क्यों हमेशा जहर उगलती रहती हो, क्यों? हर पति को अपनी पत्नी नागिन ही लगती है। अगर इतना ही शौक था अपनी माँ की गोद में बैठने का तो मुझसे शादी क्यों की? ईशा, जस्ट शट अप। चिल्लाओ मत। तुम्हारी माँ को इस घर से जाना नहीं है ना? ये घर गिरवी है, कभी भी नीलाम हो सकता है। क्या ये बात ये जानती नहीं है? तब क्या होगा? गोली की आवाज माँ के कमरे से। देखा निक, हमेशा डिफेंस मत छोड़ना। अपने डिफेंस को एकदम स्ट्रांग रखो, एकदम स्ट्रांग। और दूसरी बात, जब तुम अटैक करते हो
तो अटैक करते समय अपने मुक्के को अपने चेहरे के पास रखना ऐसे, और यहाँ से अटैक करो यहाँ से ऐसे सर, ताकि तुम अटैक भी कर सको और सामने वाले को मौका ना मिले तुम्हारे चेहरे पे अटैक करने का। ओके सर। कम ऑन अटैक, कम ऑन अटैक। या दैट्स गुड सर। सॉरी सर, लगी तो नहीं? नहीं। इससे एक सबक और मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। सर एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ गया और तुम्हारे मुक्के ने मुझे ढेर कर दिया। सो नेवर लूज योर कॉन्सेंट्रेशन। ओके ओके सर। आप हट जाइए सर, इसकी ये हिम्मत, इस मुक्के का बदला मैं लूंगा। अरे अरे पहलवान क्या कर रहे हो, तुम्हारे डर से हमारा ये नया साथी भाग जाएगा? नया साथी? हाँ, ये निखिल है, बहुत जल्दी ये हमारे सीआईडी टीम का हिस्सा बनने वाला है। सर आप जरूर रेडी सर है ना? हाँ रेडी। लेकिन तुझे कैसा पता? सर बहुत सुना है आपके बारे में सर, आप जोक बहुत अच्छा सुनाते हैं। बेटे एक बार सीआईडी में आ जा, इतने जोक सुनाऊंगा कि हंसना भूल जाएगा। हेलो, हाँ क्या, कहाँ पे? ठीक है हम लोग अभी पहुंचते हैं, चलो रेडी, एक नया केस आया है। सर मैं भी चलूं? नेक, अभी तुम्हें थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। सर सिया। ओके सर, ऑल द बेस्ट सर। अब सीआईडी ऑफिसर बनने का मेरा सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। यस यस। काफी खून बहा है सर, गायत्री जी को होश आ गया सर। गायत्री जी का घाव तो काफी छोटा है, ये खून उनका नहीं हो सकता। गायत्री जी कमरे में खून पड़ा है, यहां और कोई भी नहीं आपके अलावा, तो क्या हुआ, क्या था यहां पे? देखिए घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। गायत्री जी से लगता है इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है। काम करो इनको दूसरे कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम करने दो। आई प्लीज। तो आप लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और भागते भागते यहाँ पर आए? जी हाँ सर, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था कि कहीं माँ ने खुदकुशी तो नहीं कर ली। खुदकुशी? लेकिन गायत्री जी खुदकुशी क्यों करेंगे? एक्चुअली ससुर जी के मौत के बाद वो बहुत परेशान रहती है और अकेला महसूस करती है, इसीलिए शायद। गायत्री जी के पास गन है? जी नहीं। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि वो गोली चला के खुदकुशी कर रही होगी? पता नहीं क्यों सर, शायद टेंशन की वजह से ऐसे ही ख्याल मेरे दिमाग में आ गया। आप कह रहे थे कि गायत्री जी काफी अकेलापन महसूस कर रही है, वो अकेली रहती है इस घर में? जी हाँ सर। तो फिर कौन घुसा था उनके कमरे में? कोई भी नहीं सर। कोई तो था, तभी इतना सारा खून पड़ा है यहाँ पे, गोली चलने की आवाज आई थी, किसी को तो गोली लगी है सर। ये अलमारी तो खुली पड़ी है, कहीं ये चोरी का मामला तो नहीं है? दीपक जरा देखना अलमारी के अंदर से कुछ गायब है क्या? माँ के पास आखिर ऐसा है ही क्या कि चोरी हो जाए? मैं देखता हूँ। सर ये कुछ पैसे, माँ का मंगलसूत्र और कपड़े वगैरह बस। सर अगर ये चोरी का मामला है तो चोर ने ये पैसे और मंगलसूत्र यहाँ पे कैसे छोड़ दिए? ये तो पता करो ये चोर भागा तो भागा कैसे?
यहाँ से भागा है वो। My God. ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखिए दीवार पे खून लगा है सर। इसका मतलब वो आदमी दीवार फान के चला गया। देखते हैं दीवार फान के किधर गया है। चेहरे के तो चिथड़े उड़ गए। सर अगर मुंह के अंदर गन रखकर गोली चलाई जाए तो आदमी का ऐसा हाल हो सकता है, लेकिन सर इस हालत में आदमी यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? एक मिनट, ये देखा तू तो सीने पे भी गोली मारी। मेरा कार चेक करते हैं। यहाँ पहुंचकर इसने गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश की होगी और तभी खूनी ने इस पर दूसरी गोली चला दी। घर पे भी गोली मारी गई इसी के ऊपर, सीने पे, और यहाँ तो इसका मुंह ही उड़ा दिया गया। वैसे अगर इसके सर पे गोली नहीं लगती तो भी आदमी मारी जाता, सीने पे जो गोली लगी है ठीक है। लो भाई गन तो मिल गई, गन पाउडर की स्मेल है, इसका मतलब थोड़ी देर पहले ही फायर किया गया है। तीन गोलियां चली है और तीन गोलियां अभी भी रिवॉल्वर में है। सर अगर एक गोली यानी सीने वाली गोली कमरे के अंदर चली तो गायत्री जी को अच्छे से मालूम होगा कि किसने किया है। ठीक है तो गायत्री जी से ही पूछ लेते हैं किसकी लाश है ये और खूनी कौन है। गायत्री जी कमरे में गोली चली है तो आपने चलाई होगी ना, कमरे में तो कोई और था नहीं? जी गोली मैंने ही चलाई थी। आपने ही चलाई है? गुड, चलो एक बात तो साफ हो गई। आपने पहले भी कभी गोली चलाई है? नहीं। तो फिर अभी कैसे चलाई है? और गन कहां से आई आपके हाथ? गन चोर के हाथ में थी, जैसे मैं कमरे में आई मैंने देखा मेरी अलमारी में से एक आदमी कुछ चुरा रहा था। आपकी बहू तो कहती थी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एकदम कंगाल है आप। तो फिर ऐसा क्या था उस अलमारी में जो चोर चुराने आए? मैं उसे देखकर बहुत डर गई, वो मुड़ा और मैंने डर के मारे उसे धक्का दे दिया। वाह, डर के मारे आप चिल्लाई नहीं, डर के मारे आपने उसे धक्का दे दिया है? उसके हाथ में गन थी, वो गोली चलाने ही वाला था कि मैं उसकी तरफ झपटी, इस छीना झपटी में गोली चल गई और उसे लग गई। गोली लगी चोर को? लेकिन वो मरा नहीं, उसने मुड़ के मुझे भयानक आंखों से देखा, मैं डर गई और बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप बेहोश हो गई तो ये चोट कैसे लगी आपको? जब मैं बेहोशी की हालत में गिर रही थी तब लग गई होगी। अच्छा अब आपको ये तो याद होगा कि चोर को गोली कहाँ लगी थी? सीने पर। गायत्री जी चोर के चेहरे के छितड़े उड़ गए, उसके चेहरे पे भी गोली चलाई गई है। नहीं ऑफिसर, गोली तो उसके सीने पर ही लगी थी। कमरे में और कौन था?
कोई नहीं। झूठ, एकदम झूठ। कमरे में कोई और था जो चोर के पीछे पीछे भागा और उस आदमी ने चोर को एक और गोली मारी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अभिजीत, जो आदमी मरा है पता नहीं वो आदमी चोर था भी या नहीं, वो तो ये कह रही है कि वो चोर था। आपको मालूम है उसकी लाश आपके घर के बाहर पड़ी हुई मिली? मैं तो कमरे में बेहोश पड़ी थी, मुझे कैसे पता? क्या आपने उस आदमी को पहले कभी देखा था? कभी नहीं। अभिजीत, वो चोर नहीं था। चोर अपने साथ ज्यादातर गनमन नहीं रखते, अगर कोई बड़ा हाथ मारना हो तो शायद रख भी सकते हैं। ठीक कह रहे हो, लेकिन इतना बड़ा चोर होता तो इस मामूली घर में क्यों जाता? सर, इस चोर के उंगलियों के निशान हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। यार, मैं जिस गाड़ी में आया था वो जरूर चोरी की होगी। पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। गाड़ी ठीक टाइम पे पहुंच जाएगी सर, आप विश्वास रखिए सर। ये कार नंबर MS04BG55 आपकी कंपनी का कार है? हाँ सर, ये कल से गई है पर अभी तक वापस नहीं आई है। और आएगी भी नहीं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये कार लेके कौन गया था ये बताइए? ये कुणाल नाम का आदमी ले गया। इस कुणाल ने कोई पहचान पत्र तो दिया होगा, कोई आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? हाँ सर, आप एक मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। प्लीज। बात समझ में नहीं आ रही, इस कुणाल ने यहाँ से किराए पे गाड़ी ली वो भी चोरी करने के लिए? सर ये राशन कार्ड, उसे पता चल रहा है राशन कार्ड नकली है। नकली है सर? हाँ। अगर राशन कार्ड नकली है तो फिर इस पर लिखा हुआ एड्रेस भी नकली होगा। ये असली है या नकली अब तो उस एड्रेस पे जाने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? अभिजीत, मैं जो बात बताता हूँ बात पक्की होने के बाद बताता हूँ, हवा में तीर नहीं चला था बस। नहीं नहीं, आज तारिका जी नहीं है ना, तो मुझे लगा शायद कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो आपसे। काम की बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस आदमी की मौत दो दो गोलियां लगने से हुई है, दो गोलियां। ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये है जनाब कि जो दो दो गोलियां इस आदमी को लगी हैं, वो दो अलग अलग गन से चलाई गई हैं। दोनों गोलियां अलग अलग गन से चली हैं? जी हाँ, मैं बता रहा हूं। ये देखो, ये .22 कैलिबर की गन से चली हुई गोली है जो मुझे इस आदमी के सीने में से मिली है। और ये वो गन है जो आप लोग लेकर के आए, .33 कैलिबर की गन, जिससे इस आदमी का जबड़ा उड़ गया। बड़ी अजीब बात है अभिजीत, किसी को मारने के लिए एक आदमी ने एक गोली एक गन से चलाई और फिर दूसरी गोली दूसरी गन से चलाई, क्यों? लेकिन सर, गोली तो इसे गायत्री ने मारी है। उन्होंने कहा कि इसे एक गोली मारी है उन्होंने, तो दूसरी गोली किसी दूसरे आदमी ने मारी हो, मतलब दो दो खूनी। और मैं जानता हूं वो दूसरा खूनी कौन है। चलो भैया, केस खत्म हो गई। सालूम के साहब ने दूसरे खूनी को ढूंढ निकाला है। वो दूसरा खूनी इस दुनिया में है ही नहीं। क्या? अरे सर, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आप दूसरे खूनी को जानते हो और अभी कह रहे हो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ। देखा सर, सालूम के साहब ने कैसे मेरा खड़े खड़े उल्लू बना दिया। जरा चुप बैठोगे? बॉस, जिस आदमी ने इसके जबड़े में गोली मारी है वो कोई और नहीं, ये खुद है। मतलब इसने खुदकुशी की है? ये तो पता नहीं कि खुदकुशी की है नहीं, लेकिन है बड़ी अजीब बात, एक गोली लगी जिससे जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा और खुद ने अपने जबड़े में गोली मार ली। मुझे इस गन पर से इसकी उंगलियों के निशान मिले हैं। इसने अपने ऊपर गोली मुंह के अंदर से चलाई? हाँ काजल, ऐसे। अभिजीत, वैसे तो ये आदमी मरने वाला ही था, तो फिर अपनी जान बचाने की कोशिश करने के बजाय इसने अपने आप पर ही क्यों गोली चला ली? सर, शायद उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। ये गायत्री जी सरासर झूठ बोल रही हैं सर। उन्होंने कहा कि उसने एक गोली मारी है इसे, तो वो गन कहाँ है? वो गन तो ना हमें उसके घर से मिली है ना कार के पास से। काम करो अभिजीत, फिर से इस गायत्री के घर जाओ और अच्छी तरह से तलाशी लो।
सासू माँ ने जब कबूल कर ही लिया है कि खून उन्हीं के हाथों से हुआ है, तो फिर सोचने की बात ही क्या है? हम उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? बार बार हमसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? जब खून हुआ तब आप सब लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे क्या हुआ आप सबको मालूम है। असली खूनी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, और जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक। मतलब कि खून गायत्री जी ने नहीं किया? अगर खून गायत्री जी ने किया होता तो वो गन कहाँ है जिससे उन्होंने चोर के सीने पे गोली मारी है? वो अभी तक नहीं मिली है। ईशा, तुम तो हमें बता रही कि गायत्री जी के पास चुराने के लिए ऐसी कोई खास चीज नहीं है। हाँ, ये सच है कि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर भी अभी तक पता नहीं चला कि चोर यहाँ पर चुराने क्या आया था। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आखिर वो इस घर में आया क्यों था? सर, आप रेडी? ये देखिए सर। ये तो जूते के निशान है। हाँ सर, इसका मतलब कोई आदमी अलमारी के अंदर छुप के बैठा हुआ था। सर कमाल हो गया, ये देखिए वही एड्रेस है जो राशन कार्ड पे, असली है। दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। घर तो एकदम खाली है, इसका सामान भी नहीं है यहाँ पे। तो पासपोर्ट है, 3 दिन पहले बनाया, पता नहीं असली है या नकली। चेक करना पड़ेगा सचिन, इसमें तो दुबई जाने का वीजा लगा हुआ है। मतलब ये दुबई भागने की पूरी तैयारी कर चुका था? शायद इसे पता चल गया था कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हो कौन सकता है? ये सोच रहा हूँ कि भाग किससे रहा था। देखो इस घर में कुछ और है। सर क्या चक्कर है ये देखिए सर, गायत्री जी के घर वालों की फोटोग्राफ्स। गायत्री जी के घर वालों के फोटोग्राफ्स कुणाल के पास कैसे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री जी और कुणाल एक दूसरे को जानते थे? एक दूसरे को जानते थे तो फिर गायत्री जी ने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आपने कहा था इस गन से जो गोली चली है वो चोर के छाती में जाके लगी, कहा था ना? हाँ कहा था। जबकि सच ये है इस गन से गोली निकली है वो चोर के चेहरे पे जाके लगी है, उसकी छाती पे नहीं। क्या? जी हाँ। तो वो गन कहाँ है जिससे आपने गोली चलाई? कहाँ है वो गन? क्योंकि आपकी गन से अगर गोली चलती और चोर के चेहरे पे जाके लगती तो वहीं गिर जाता, भागता नहीं वहां से। ये गन हमें चोर के लाश के पास से मिली है, आपके घर से नहीं। तो वो गन कहाँ है जिससे आपने गोली चलाई? कहाँ है वो गन? मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा ना मैं बेहोश हो गई थी। झूठ बोल रही हैं आप, आप किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मैम अभी पता चल जाएगा। ये गन उठाइए, पकड़िए इसे और गोली चलाइए उधर। पकड़िए पकड़िए, चलाइए गोली, चलाइए गोली, चलाइए। आप कांप रहे हैं, आपके आप गोली चला ही नहीं सकती हैं। फिर उस दिन कैसे चल गई गोली? कह तो रही हूं गलती से चल गई थी। फिर भैया देखिए गायत्री जी सच क्या है वो बताइए आप। आप इस आदमी को पहचानती हैं? कुणाल नाम है इसका, ये वही आदमी है जो आपके घर में चोरी करने के लिए आया था। कौन है ये कुणाल? इसके घर में आपकी फैमिली के फोटोग्राफ कैसे? क्या करने आया था ये आपके घर? जवाब दीजिए। देखिए मैम, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना हमारे पास भी कई तरीके हैं मुंह खुलवाने के। जब मैं अपना गुनाह मान रही हूँ तो और क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे जेल क्यों नहीं भेज देते? भेज देंगे, जेल भी भेज देंगे। पहले ये पता चल जाए कुणाल आपकी अलमारी से क्या चुरा रहा था। चोर को चोरी करने के लिए अलमारी में घुसने की क्या जरूरत थी?
वो तो बाहर से भी सामान निकाल सकता था। आपसे किसने कहा कि वो अलमारी के अंदर था? अलमारी के अंदर से हमें जूते के निशान मिले हैं। कुणाल का खूनी शायद अलमारी में छुप के बैठा था। किसके जूते का निशान है ये? कौन है वो आदमी? हेलो, क्या ब्यूरो में किसी का फोन टैप हो रहा है? हाँ हाँ, फोन टैप हो? किसका किसका फोन टैप हो रहा है? नंबर क्या है? 1039 57 599। मगर ये तो हमें से किसी का भी नंबर नहीं है। एक मिनट सर। ओहो, गायत्री जी आप हैं? आपका फोन टैप हो रहा है? आपका मोबाइल फोन कौन टैप कर रहा है? मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि मेरा मोबाइल कौन टैप कर रहा है। वही तो, आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आप फोन पे बताने वाली हैं? कोई राज नहीं है, पूरी सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई क्या है बहुत जल्द पता लग जाएगा। सचिन एक काम करो, पता करो किसका काम है, कौन कर रहा है ये फोन की टैपिंग। पता चल गया उस नकली पासपोर्ट वाले का? कहाँ मिलेगा यार? नकली पासपोर्ट क्यों बना? सर, सर, मैंने ये नकली पासपोर्ट का धंधा बहुत पहले बंद कर दिया सर, और जब से मैं जेल में सजा काट के आया हूँ, शरीफ इंसान बन गया हूँ। ये नकली पासपोर्ट क्यों बनाया? मैंने बताया ना साहब, मैं शरीफ इंसान बन गया हूँ। जितना पूछा जाए उसका जवाब दे, समझा? ये संगीत किसी और को सुनाना। बताता हूँ सर, बताता हूँ। नकली पासपोर्ट तूने बनाया? हाँ सर, ये पासपोर्ट मैंने ही बनाया था सर। किसके लिए बनाया तुमने? क्या नाम है उसका? कुणाल नाम है सर उसका। असली नाम बता। असली नाम तो याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? जितनी बातरी याददाश्त तुझे धोखा देगी ऐसे तेरा सर टकराता रहेगा। बाल उसका असली नाम मोहित है सर। मोहित कहाँ रहता है ये? मोहित नहीं, ये तो नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? नहीं सर, मैं वाकई कुछ नहीं जानता सर। सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं वो बीच फाइनेंस कंपनी में काम करता है सर। कौन सी कंपनी? बीज फाइनेंस कंपनी सर। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गया, नाम भी और कंपनी भी। जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी हम मोहित के बारे में कुछ जानने आए हैं। वो इसी कंपनी में काम करता था ना? जी हाँ, वो हमारी इसी कंपनी में काम करता था और बहुत ही नेक इंसान था वो। नेक इंसान नकली पासपोर्ट नहीं बनवाया करते हैं। नकली पासपोर्ट? मैं कुछ समझा नहीं। जी हाँ, नकली पासपोर्ट, ये देखिए। कुणाल? लेकिन ये तो मोहित है। जी हमें मालूम है ये मोहित है। मोहित ने ये नकली पासपोर्ट 3 दिन पहले बनवाया था। आपको कुछ अंदाजा है क्यों? आप ये क्या बात कर रहे हैं, मोहित को मरे हुए तो 4 महीने हो चुके हैं। क्या मोहित 4 महीने पहले मर चुका है? जी हाँ, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। सर ये चक्कर क्या है? मोहित पहले मर गया, फिर कुणाल बनकर जिंदा हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा इस मोहित का एड्रेस देना। जी ये लीजिए। मोहित का एड्रेस है? जी। Are you sure? जी हाँ, लेकिन आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? My God.
अबे कौन हो तुम लोग? दरवाजा खटखटाना चाहिए। अरे ये तो बुरा मान गया। चलिए अभी दरवाजा खटखटा लेते हैं। कोई है अंदर? ये क्या मजाक है? किसी का फोन टैप करना मजाक लगा तुझे? मैं मालूम है ना ये गैर कानूनी है। मैंने किसी का फोन टैप नहीं किया। देख बेटा, अगर सच सच बता देगा तो जल्दी निपट जाएगा, और अगर झूठ बोला तो मुझे माफ कर दो सर, मैं अब ये काम दोबारा कभी नहीं करूंगा सर। 1039 575 99 ये नंबर कब से टैप कर रहा था? 2 महीने से। किसके कहने पर किया ये सब? हाँ मुझे उसका नाम पता नहीं, मैं तो ये सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ। उसका नंबर क्या है? मुझे पता नहीं। उसको देखा तो होगा ना तूने? हाँ श्यामला कलर का है, 5.5 फीट करीब होगा सर। और कुछ? और तो कुछ पता नहीं है सर। कुछ पता नहीं है? पता नहीं है सर। जल्द से। हाँ डॉक्टर सारंग, हाँ ठीक है, पहुंचते हैं हम लोग। मुंह सुजा के क्यों बैठा सारंग? बॉस मैंने तय कर लिया है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, ये काम उससे नहीं होगा। अच्छा मतलब तू ऐश करेगा? काम कौन करेगा? इधर खूनी को कौन पकड़ेगा? है ना आप लोग है ना? अरे हम लोग तो हैं डॉक्टर साहब, हमारी छोड़ो, आप क्या संन्यास लेने वाले हो? बस जो बात मुझे पता चली है ना वो अगर आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग भी निकल पड़ोगे हिमालय की तरफ। अच्छा ऐसी कौन सी बात है? आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने सभी लोगों का डीएनए टेस्ट किया। और टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा? टेस्ट का रिजल्ट ये बताता है कि ये जो आदमी सोया हुआ है यही दीपक का पिता है। क्या? हाँ इन दोनों का डीएनए मैच होता है। लेकिन दीपक तो कह रहा था कि उसके पिता की मौत 4 महीने पहले हो चुकी है। अभिजीत ये जो आदमी सोया हुआ है यही दीपक का पिता है, और इसे मरे हुए सिर्फ 2 दिन हुए, 4 महीने नहीं। मगर सर अगर ये आदमी दीपक का पिता है तो फिर वो कौन था जिसकी मौत 4 महीने पहले हुई? सर मेरा तो दिमाग चकरा रहा है, 2-2 गन 2-2 खूनी और अब 2-2 बाप। पिता सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक, और अगर इस आदमी का डीएनए दीपक के डीएनए के साथ मैच हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि दीपक का यही पिता है। कमाल है गायत्री जी, इस फोटो को देख के आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? हाँ जी बड़ी अजीब बात है। चलिए हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं, शायद आपको कुछ याद आ जाए। इस आदमी का असली नाम मोहित है। लो भाई इन्हें तो अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है। रेडी क्या ऐसा हो सकता है कि एक औरत अपने बच्चों के पिता को पहचानने से इनकार कर दे? नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर सर इनके पति तो 4 महीने पहले मर गए ना। हाँ फ्रेडी, मगर उस आदमी का डीएनए इनके बेटे दीपक से कैसे मैच हो रहा है? अब इसका जवाब तो गायत्री जी ही दे सकती है। ये मेरे पति मोहित है। मगर दुनिया समझती है कि आपके पति 4 महीने पहले मर चुके हैं। मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस दिन मॉल में। अरे रुकिए तो सही। तो फिर क्या हुआ? मुझे उनका फोन आया और उन्होंने अपने जिंदा होने की बात किसी से कहने से मना कर दिया। क्यों? यही तो मैंने भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलने आएंगे और सब कुछ बता देंगे। फिर? उस वक्त मेरे बहू बेटे वहां थे,
मैं चाहती थी उनके होते हुए वो नहीं आएंगे, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। जिंदा हो? हाँ गायत्री, मैं तुम्हें सब कुछ सच बतलाने ही वाला था। गायत्री मेरा यकीन करो। जो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे सकता है उसका यकीन करो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया गायत्री। 4 महीने से विधवा की जिंदगी बिता रही हूं, आप जिंदा होते हुए भी घर वापस नहीं लौटे और आप कह रहे हैं कोई धोखा नहीं दिया। मैंने जो कुछ भी किया ना, हम सबकी जिंदगी सुधारने के लिए किया है। कैसे? आपके मरने से हमारी जिंदगी कैसे सुधर सकती है? सुधर जाएगी। 2 दिन के बाद तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए? कौन देगा 1 करोड़ रुपए? इंश्योरेंस कंपनी वाले। इंश्योरेंस कंपनी वाले? हाँ। वो क्यों देंगे 1 करोड़? मैंने एक इंश्योरेंस करवाया है कि अगर मेरी मौत किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जरा सोचो गायत्री, 1 करोड़ रुपए में तुम क्या नहीं कर सकती हो। हमारी बेटी की शादी हो सकती है, दीपक अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। आपने हमारी खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तुम सबकी खुशी मेरी खुशी। अब मैं दुबई जा रहा हूं, वहीं रहूंगा। अगर मुझे किसी ने यहां पर जिंदा देख लिया तो बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा मैं। कौन हो तुम? मैंने तुझे अपना अच्छा दोस्त समझा और तूने मुझे धोखा दिया। चीट तो करता है कि अरे तू यहां पर पहुंचा दू। तुम्हें क्या किया? तेरे वजह से गोली चल गई। गायत्री संभाल। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो ये सारा खेल इंश्योरेंस के पैसों के लिए खेला गया है। इसीलिए मैंने आपको मोहित के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी अगर दुनिया को मोहित के जिंदा होने की खबर हो जाएगी तो हमें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे जो हम अपनी बेटी की शादी में खर्च करना चाहते थे। हमने जो कुछ किया बस अपने परिवार की खुशियों के लिए किया। अब जरा मुझे फांसी लगा दीजिए। वैसे मेरा अब इस दुनिया में है ही कौन। फांसी आपको नहीं, खूनी को चढ़ाएंगे। आप ये बताइए कि वो आदमी कौन था जो अलमारी में बैठा था जिसने गोली चलाई मोहित पे? नहीं जानती। उसने मास्क पहन रखा था। फिर भी कुछ तो याद होगा उसकी चाल ढाल से, उसकी कद काठी से। कुछ याद है आपको उसके बारे में? वो आदमी ये जरूर कह रहा था कि मोहित ने उन्हें धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो फिर ऐसे किसी आदमी के बारे में बताइए जिसे मोहित ने धोखा दिया हो। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। मगर सर, खूनी को कैसे पता चला कि मोहित जो सबके लिए मर चुका है वो गायत्री से मिलने आने वाला है? क्योंकि उसी आदमी ने गायत्री का फोन टैप किया था और चुपचाप वहां अलमारी में जाके बैठ गया। अब हमें यह पता लगाना है कि परिवार में या दोस्तों में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे मोहित ने धोखा दिया था। सबका कच्चा चिट्ठा ढूंढ निकालते हैं। सोचा आप लोगों को बता दें कि
खूनी का पता चल गया है। पर खून किसका हुआ है? खून आपके ससुर मोहित जी का हुआ है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है सर? पापा की मौत 4 महीने पहले हो चुकी थी, एक एक्सीडेंट में। नहीं, उनकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, वो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। उनकी मौत तो सिर्फ एक ड्रामा था, ड्रामा इंश्योरेंस के पैसों के लिए। व्हाट? इंश्योरेंस के पैसों के लिए? जी हाँ। पर पापा का खून किसने किया? हो सकता है कि तुमने ही मारा हो। मैं हाँ, तुम्हारे दिल में जो अपने सास ससुर के लिए नफरत है वो साफ दिखती है। देखिए, आप मेरी बीवी पर इस तरह का झूठा इल्जाम बिल्कुल नहीं लगा सकती हैं। तो आप पे लगा देते। आपने अपने पापा से पैसे मांगे थे बिजनेस शुरू करने के लिए। हाँ, मांगे थे। और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आप लोग ये घर छोड़ के चले गए, अलग रहने लगे। हाँ तो ठीक है ना सर, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बेटा बाप का खून ही कर दे। हाँ ये बात तो है। रोशन जी, आपको तो कभी यकीन हुआ नहीं ना कि मोहित जी की मौत हो चुकी है? क्योंकि उनकी लाश का पता नहीं चला, फिर कैसे यकीन होता? हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। जब तक लाश ना मिल जाए तब तक यकीन नहीं करना चाहिए, क्यों मन जी? बिल्कुल। तो फिर बिना लाश देखे आप मोहित के घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा दिलवाने के लिए राजी कैसे हो गए? इंश्योरेंस? हाँ, आप तो उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं ना जहां से मोहित जी ने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया था। देखिए, मोहित मेरा दोस्त था, मैंने सोचा परिवार की थोड़ी मदद हो जाएगी उसकी मौत के बाद, दैट्स ऑल। और जब आपको पता चला कि मोहित मरा नहीं है तो आपको बड़ा धक्का लगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपके साथ विश्वासघात क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप बदले की आग में जलने लगे और मौका पाते ही आपने मोहित का खून कर दिया। बोलिए, किया है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी जी, आप देखिए ना, आप कुछ बोलिए, ये क्या कह रहे हैं? उमंग जी, आपने कभी कार्ड्स का कोई गेम खेला है? कार्ड्स? आपका मतलब ताश? हाँ, ताश। ताश में एक पत्ता ऐसा होता है जिसे पपलू कहते हैं। ये पपलू पूरी बाजी पलट देता है। आज यहाँ हमारे पास भी एक ऐसा पपलू है जो आप सबके सामने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। काजल सर। तुम? अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया। क्यों सूरज, ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हें पैसे दिए थे गायत्री जी का फोन टैप करने के लिए? हाँ सर, यही है वो। अरे 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 उमंग जी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस गन की गोलियां तो मेरे पास है। एक बार सीआईडी के हाथ गर्दन पे पड़ गए ना, फिर उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। मोहित का खून मेरे ही हाथों हुआ था, पर मैं उसे मारने के लिए नहीं किया था। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता था। और इसीलिए तुमने गायत्री जी का फोन टैप करवाया? हाँ, क्योंकि मोहित को इंश्योरेंस कराए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, और इस तरह अचानक उसकी मौत हो जाना एक्सीडेंट में, मुझे शक हो गया कि कहीं ये बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है। और इसी प्लान को जानने के लिए तुम अलमारी में जाके बैठ गए। लेकिन सर, ये तो हमारे सामने रोशन के साथ घर से बाहर चले गए थे,
नहीं, ये मेरे साथ बाहर नहीं गए। इन्होंने बहाना बना दिया कि इन्हें गायत्री जी से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ। और इस तरह मैं वापस घर के अंदर पहुंच गया। गलती से वह गोली मोहित के सीने में लग गई। और फिर तुमने बाहर जाकर उनके मुंह में गोली चला दी? नहीं नहीं, मैंने और कोई गोली नहीं चलाई थी। दूसरी गोली तो मोहित ने खुद चलाई थी, उसने अपनी गन मुंह में रख ली थी। तुम झूठ बोल रहे हो। पापा खुद को क्यों मारेंगे? हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि इंश्योरेंस का पैसा तुम लोगों को मिले, इसीलिए उन्होंने अपने मुंह के अंदर गन रख के गोली चलाई ताकि पूरा चेहरा खराब हो जाए और लाश पहचान में ना आ सके। क्या उन्होंने उन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी जान दे दी? हाँ, तुम लोग अपने माँ बाप को चाहे कितना भी गलत समझो, लेकिन वक्त आने पर वो लोग तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, तक मैंने कभी आपसे ठीक से बात नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए बेटा। तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनकर बहुत खुशी हुई। अब से मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करना। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पहली गोली मुझसे गलती से चली थी, दूसरी गोली मोहित ने खुद चलाई थी। मैंने जानबूझकर मोहित का खून नहीं किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा इंसाफ तो अब अदालत ही करेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।